नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये जैसलमेर में मेरा तीसरा दिन है। जैसा कि आप लोग मेरे पहला और दूसरा दिन की वीडियोस देख चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए और पहले फर्स्ट और सेकंड डे की मेरी वीडियोस देखे, देन स्टार्ट विद दिस थर्ड वीडियो। सो अभी हम निकल चुके हैं अपने तनोट माता मंदिर के लिए। टाइम लगभग हो चुका है, अभी मैं चेक 12:45 का टाइम हो चुका है। हम लेट हो गए, सुबह उठे, फिर ब्रेकफास्ट किया। मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं बताने वाली हूँ रीज़न क्या है। और आज मैंने सूट पहना है जो कि मैं मंदिर जा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि इसलिए मैंने सूट पहना है। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, बट इसके पीछे छोटा सा एक स्टोरी है, मेरी कहानी है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अगर मंदिर जाओ, मैंने उनका जिक्र किया कि हम ऐसे ऐसे तनोट माता मंदिर जा सकते हैं, प्लान बन सकता है। देन शी सेड कि अगर मंदिर जा रही है तो बेटा सूट पहन के जाइए, अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, बात तो लॉजिकल, मैंने पहना, बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा डिसीज़न अच्छा था सूट पहनने का कि नहीं। सो कीप इन ट्यून, वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर का कैसे क्या सीन है। वैसे भी मैं माता में पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ माता रानी के लिए, और जब मंदिर की बात आई तो मैं बहुत एक्साइटेड होगी कि चलो जल्दी से जल्दी चला जाए। बट मुझे याद है कि मैंने व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया, ज़्यादा दिन जा चुका है लगभग। सो मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया, सो Let's go. तो 2 घंटे के अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं तनोट माता मंदिर, जैसा कि मेरे पीछे आप सब देख सकते हैं। ये तनोट माता मंदिर, इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ बॉर्डर के लिए, देन लोंगेवाला के लिए। चलो दर्शन करते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में, सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर यहाँ पे लगभग 3000 बम के गोले बरसाए थे, लाइव बॉम्ब उन्होंने फेंके थे इधर, जिनमें से 450 के आसपास इस मंदिर के बाउंड्री के अंदर बम गिरे, जिनमें से एक बम से भी मतलब मंदिर को कोई खरोंच तक भी नहीं आई थी, और मंदिर एज इट इज़ सेफ रहा। और मतलब उसके बाद से माता की शक्तियों को ज़्यादा ही यहाँ पर माना जाने लग गया, और BSF वालों ने उसी के बाद से ही यहाँ पर मंदिर के लिए चौकी स्थापित कर दी। लोग दूर दूर से यहाँ माता के दर्शन के लिए आने लग गए, और एक बहुत ही अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन गया जैसलमेर के पास में। सो ये इसकी स्टोरी थी, जो कि जिसके बाद से हमारा विश्वास माता रानी के लिए और बढ़ जाता है, मेरा तो स्पेशली, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बिलीव करती हूँ माता रानी में। तो माता रानी के दर्शन के बाद अभी हम निकल रहे हैं बॉर्डर के लिए, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। सो लेट्स गो।
चुके हैं अपने इंडियन बॉर्डर पे और तनोट मंदिर से ये 18 से 19 किलोमीटर पड़ता है और जब हमने यहाँ एंटर किया 19 किलोमीटर अवे थे जब हम यहाँ से, तो बहुत अमेजिंग फील था। आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। और जो लोग यहाँ आ चुके हैं आई थिंक एवरी इंडियन हैव दिस एक्सपीरियंस दैट विच इज अनएक्सप्रेसिबल। लाइक आई एम ब्लेस्ड राइट नाउ दैट आई एम हेयर। और यहाँ के पता चलता है यार हमारी आर्मी हमारे लिए कितना कुछ कर रही है कि हम हमारे घर में प्रोटेक्टेड बैठे हुए हैं विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि हमारी सारी टेंशन तो इन लोगों ने ले रखी होती है। तो अगर आप लोग यहाँ नहीं आए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जैसलमेर आए, बट अगर कहीं भी नहीं आ रहे, टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो बट बॉर्डर का अपना ज़रूर प्लान करें। मंदिर को देखने के बाद मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया था क्योंकि मैं साथ लेके चली थी कि और जितनी भी जगह हम जाएंगे वहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए मुझे एक ऐसी ड्रेस और चाहिए जिसमें मेरी फ़ोटोज़ और भी बहुत अच्छी आएँ। सूट में फ़ोटोज़ बहुत हो चुकी थी। मेरी ज़्यादा फ़ोटोज़ देखने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, सोनिया उडा नाम करके मेरा अकाउंट है। ओके फाइन, अब हम निकल चुके हैं बॉर्डर से लोंगेवाला के लिए। आप सोचोगे मेरे को इतने सांस क्यों चढ़े हुए हैं। हम जा रहे थे रास्ते से अभी तो साइड में मुझे बहुत एक अमेजिंग व्यू नज़र आया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ऊपर एकदम सनी डे, इतना सुंदर सूरज सामने है और इतनी प्यारी मिट्टी थी इधर, देखिए आप लोग। तो सोचा इस नज़ारे का कुछ मज़ा उठाया जाए, कुछ फ़ोटोज़ की जाएँ। तो हियर वी गो। और अपना बॉर्डर का हम सीन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम पहुंच चुके लोंगेवाला पोस्ट के लिए। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, दूर से देखने में तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है, टैंक वैंक खड़े हैं, कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी टैंक खड़े हैं, कुछ हमारे इंडियन खड़े हैं। तो जिन टैंक्स का मतलब आगे का फेस जो होता है वो अगर डाउन पोजिशन में, नीचे की पोजिशन में, तो वो पाकिस्तानी टैंक, और जिनका अप पोजिशन में है वो हमारे इंडियन टैंक। और कुछ यहाँ पे बंकर बने हुए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आई मे शो यू। और यहाँ पे कुछ जो ये पत्थर लगे हुए हैं मेरे पीछे आप देखिए अभी, और इनके ऊपर कुछ जो है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी अमेजिंग बातें लिखी हुई मेरे सामने, जो इस पे लिखा हुआ है, व्हेन यू गो होम टेल देम अस एंड से दैट फॉर योर टुमारो वी गिव आवर टुडे, इट्स वर्थ थिंग। सो अब हम निकल चुके हैं लोंगेवाला पोस्ट देख के अपने रिजॉर्ट के लिए, डन कर चुके हैं इस दिन के साथ। तो आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, इफ़ यस देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लीव अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट डे अपकमिंग कल के दिन के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए।